तो गाइस एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। आपको तो पता है कोरोना वायरस का जो है टाइम चल रहा है, तो सफाई रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि घर में रहो, अगर आपका कोई काम नहीं है तो बाहर मत जाओ। अब मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूं नहीं, आप सबको पता क्या करना है, न्यूज में जहां मर्जी देखो यही चल रहा है। और मैंने सोचा कि आज जो हमारा सफाई वाला थोड़ा सामान है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, और कुछ काम मैंने आज करने हैं। सबसे पहले मुझे टिश्यूज वगैरह चाहिए, सैनिटाइजर वगैरह मेरे को चाहिए, और वाइप्स वगैरह मेरे को चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। और सबसे पहले मेरे को कूड़ा फेंकने जाना है, उसके बाद जे को भी उठाना है। तो चलिए सबसे पहले कूड़ा फेंकते हैं। अभी मैं गाइस खड़ा हूँ जीए के घर के सामने। पिछले 10 मिनट से मेरे को यहाँ पे वेट करा के रखा है। जब भी फोन करता हूँ तो बोलता है नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। भाई 11:30 बजने वाले हैं और वो अब नाश्ता कर, कैसे हीरो बन के आ रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। भागने का इतना शौक है तो गाड़ी में क्यों जा रहा है देखो। तो ये रहा भाई, कब से वेट कर रहा हूँ, जब भी फोन करूँ नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, बस नाश्ता ही करता रहता सारा दिन। चल निकल। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? सबसे पहले जे कूड़ा फेंकने लेके जा रहे हैं। मुझे कूड़ा बना लेट चले गए। सबसे पहले हमको कूड़ा फेंकने लेके जाना क्योंकि रबिश कुछ ज्यादा हो गया था, रात को पार्टी खा के ठूस के निकला है। ये भी था, क्या कर रहा है ये भी था, सही भंगड़े पा रहे हैं। और गाइस बहुत टाइम बाद आज इतना मस्त मौसम हमको मिला, कसम से यार आज कोरोना जाने वाला मैं कह रहा हूँ, पता नहीं यार। तो सबसे पहले गाइस हमें कूड़ा फेंकने जाना है, उसके बाद मेरे को लेके जानी है डबल साइज टेप लेनी है क्योंकि ये मेरा स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल चुका है, तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है वैसे, तो ये निकल चुका है, उसको जोड़ना। और उसके बाद शॉपिंग करने जानी है। और कर सुपर ग्लू लगा ले इसके ऊपर, नहीं सुपर ग्लू से केस खराब जाएगा मेरा। अच्छा, तो उसके बाद गाइस शॉपिंग करने जानी है। मुझे नहीं लगता कि जे हमें कुछ मिलेगा। अरे यार बड़ा सामान लेना है, पता है मुझे बहुत सामान लेना है। और वो गाइस कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें सिर्फ साफ सफाई की चीजें लेनी है, स्टे सेफ स्टे सेफ। तो सैनिटाइजर हो गया, हैंड जेल हो गई, टिश्यूज हो गए, और थोड़ा बहुत हैंड वॉश हो गया। तो डिटॉल के साबुन लेंगे, डिटॉल के साबुन। खाना पीना हमारे पास फुली स्टॉकेड है और सबने स्टॉक करके रखा हुआ है। जो स्टॉक चीज नहीं है वो है सैनिटाइजर्स वगैरह, तो हमें वो लेके आनी। और मुझे नहीं लगता कि वो मिलेंगी, मुझे भी नहीं लगता यार। चलो देखते हैं पहले कहां पे जाना, मॉरिसन नहीं कूड़ा फेंकने। ओ यार हां, फिर उसके बाद चलो उसके बाद जाएंगे। भाई यार ये कितना क्वाइट है आज ये रोड भाई साहब, यहां ये सबसे बिजी रोड है यार यहां पे। और पता है मेरी यूनि भी कैंसिल हो गई यार। फिर यूनि भी कैंसिल हो गई? हां सब कुछ रिमोट हो गया। तो ये है गाइस यहाँ का द मेन रोड, बिजी रोड है, जो बाहर से गाड़ियां वगैरह आती है ना दूसरे शहर से, बड़े शहरों से, तो यहाँ से आती है। और देखो कोई आ ही नहीं रहा हमारे शहर के अंदर, हमारे लोग शहर से बाहर जा रहे हैं उस तरफ, और हमारे शहर के अंदर कोई आ ही नहीं रहा। वो भी जोन सा ट्रांसपोर्ट मेथड मिल गया, बाइकें गाड़ियां वैन जो भी है लिटरली आगे देखो और पीछे दिखा शीशे वाला, पीछे लिटरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम ही है। मुझे लगा असली था ये। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा रबिश बन चुका घर के अंदर तो आप यहाँ पे आके फेंक सकते हो। ऑलरेडी भाई कितनी लाइनें लगी हैं। ओह माय गॉड, ये सारा वायरस हटा रहे हैं ये। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कूड़ा फेंकने आए, यहाँ पे सोना मिल रहा है। इसको देखो ये बंदा सामने जा रहा था उसकी जगह। यार जबरदस्त वेदर है यार गाइस, स्काई को देखो मस्त है यार। ओके तो गाइस हमारे पास इतना कूड़ा तो है नहीं, सिर्फ 2-3 बैग ही हैं। अभी इधर ही रोक ले, फटाफट उसको फेंक देते हैं और चलो आ जा। राइट, तो दो रबिश के बैग हैं काले वाले, और ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड को फेंकने कार्डबोर्ड में। और मेरे साथ इसको देखो 1.47 मिलियन कूड़े फेंक रहे हैं यहाँ पे। 88 मिलियन नेटवर्थ था इसका। तो ये एक नई तरफ से भी गया, ये कौन फेंकेगा ये मैं भूल गया, ये कौन फेंकेगा ये पता नहीं कहाँ पे इसका फोन। राइट पेन बैठ जा, अब दरवाजा खराब है मेरा। तो गाइस अभी हमने जाना है फोन रिपेयर करना, जैसे मैंने बताया कि ये चीज यहाँ पे चिपकती है और इसको चिपकाने के लिए मुझे सेलो टेप चाहिए डबल साइडेड। तो अभी हम डबल साइडेड सेलो टेप लेने जाएंगे। एक काम करते हैं, मंगा ले यार केस। अबे उसको भी तो चिपकाने के लिए ग्लू तो चाहिए ना भाई, ये नया मंगा लेना, इसके साथ तो आता ही है। अबे ये मैग्नेट इसको हुआ क्या है, तो फेंक इसको बिन में। ओके तो गाइस एक काम करते हैं, जहाँ से हम शॉपिंग करने जाएंगे ना घर की सैनिटाइजर वगैरह लेने, तो वहां से मुझे ये भी मिल सकता है जो ग्लू वगैरह, तो वहीं से ले लेते। अबे वो तो कितने लोग कूड़ा फेंकने आए भाई, यार लूट मची हुई है यहाँ पे। ओके तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टेस्को,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक रिटेल बाग है, सुपर मेगा स्टोर। हाँ, तो ये मतलब कि बहुत बड़ा सुपर स्टोर, सुपर मार्केट टाइप है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ है या नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ गाइस, तो रिस्क को छोड़ के, क्योंकि हमने टिकटॉक पर गाइस बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और सारी वीडियोस में यही दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्टॉक है ही नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत पैनिक लोग मोड पे लोग आ चुके हैं। तो आई डोंट नो कि भाई रिकॉर्डिंग देखा, पूरी पार्किंग भरी हुई है भाई। नॉर्मली कितना एम्प्टी होता है यार, नॉर्मली इस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस टाइम है ना, कोई ऑफिस में होता है, कोई बच्चों को लेने जा रहा होता है, सारे घरों में बिजी होते हैं, लेकिन नहीं आज तो इन्होंने तो जगुआरे निकाली हुई है, रोला पादो का नहीं रोला क्रेने निकाली है भाई मुझे मैंने माल उठा लिया, कहता है पकड़ो मुझे अब ऊपर आगे। तो गाइस यहाँ पे हम सैनिटाइजर वगैरह लेने आए और यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, पूरी शेल्फ ही खाली है। ये क्या लिखा, 5 पर कस्टमर। भाई मुझे एक चाहिए भाई, ये क्या करके रखा जे, इसमें कितने हैं? इसमें दो भाई साहब, इन्होंने प्राइस भी चेक कर रखी हुई है। लूटो कहते हैं, लूटो कस्टमर्स को लूटो। ये सैनिटाइजर और हैंड वॉश है ही नहीं, कुछ है नहीं यहाँ पे भाई, खाली शेल्फ है। 3 पाउंड कोई लेगा नहीं, शेट मैन। तो जो वीडियो हमने यूट्यूब पर देखी थी वो वाकई सच है। बाथ फोम, ये देखो फोम, फोम, यू किडिंग मी। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। तो ये है गाइस खाने पीने का फ्रिज, एकदम खाली पड़ा हुआ, नीली खाली है। जब ऐसे काम आते हैं गाइस, लोग नॉर्मली आलू वगैरह स्टॉक करते हैं, तो ये आलू है ही नहीं, अंडे भी नहीं है भाई साहब, लिखा हुआ है ब्रिटिश एग्स है ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, आलू भी नहीं है, अंडे भी नहीं है, एक ही बचे, ये एक ही बचे, उठा ले भाई। ऐसा मुकाम आ चुका है कि लोग खोल के एक एक अंडा लेके जा रहे हैं। नहीं खोल के चेक करें, टूटे तो नहीं है। आई थिंक इसकी डेट कितनी है भाई, मत खोल यार। 28 मार्च, ये ले ले, मैं तेरे से हाथ नहीं मिलाने वाला। ले 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 ले। गाइस ये है दाल का सेक्शन और ये भी तकरीबन खाली पड़ा हुआ, सिर्फ रूह अफ़ज़ा भी है, रूह अफ़ज़ा पी ले इसको, रूह अफ़ज़ा की चाय बना। चावल ही नहीं है भाई, चावल लेने आया था, चावल भी नहीं है, देखो लाइक ओनली लाइक 2 बोरियां बची हुई हैं, तो ये भी खत्म है। घी मामा घी है, वो पेप्सी थोड़ी है किसको पी रहा है, कैचअप ही पड़ी हुई है, जितनी मर्जी ले लो आप। गाइस ड्रिंक्स वाले सेक्शन का मैं देख रहा हूँ, कोई मतलब कितना दबाव नहीं डाल रहा है, पानी है ना? अबे ऑब्वियसली वो पता क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि ड्रिंक्स जो है एक्सपेंसिव है, ड्रिंक्स की जगह अगर ये कुछ और चीज लेंगे तो वो खा सकते हैं, और नहीं तो क्या? तो ड्रिंक्स तो मतलब कि एकदम लग्जरी सी होगी ना एंड में। और ये देखो खाली शेल्फ फिर से आ गई, ओह माय गॉड, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, होली क्रैप। एक्चुअली हमें यहाँ से सामान लेना था, शेट मत, ले ले ले, लंबा पड़ जा, ऊपर लेट जा, लंबा पड़ जा। मामा यार अंडे भी रख दे यार, एक अंडे के लिए क्या लाइन में लगेंगे। हाँ रख दे यार, दूसरे स्टोर चलते हैं ना, वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। चलो तो हमने अंडे भी रख दिए गाइस, तो किसी और स्टोर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है यार। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर में, क्योंकि यहाँ पे तो जो हमें मेन चीज चाहिए थी, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश और टॉयलेट टिश्यूज वगैरह, ये तो बिल्कुल सही नहीं। और अंडे लेने के लिए क्या भाई, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं यार, लाइन देखी कितनी लंबी थी। और नहीं तो क्या, अंडे तो चलो कहीं से भी लोकल शॉप से मिल जाएंगे, लेकिन जो सी मेन चीजें हैं वो हमें नहीं मिलती। तो अब जा रहे हैं हम दूसरे स्टोर पे, इसी का ही स्टोर है ना, इसी का स्टोर है। हाँ, सो इसका टेस्को, इट्स एक्चुअली बिगर देन दिस। तो ये रेड लाइट क्रॉस कर रहा है भाई सामने, ये चलाने नहीं आती तुझे क्या? उतर नीचे। ये है दूसरा स्टोर और ये अभी हम बस पार्किंग में एंट्री कर रहे हैं, और देख सकते हैं भाई ये बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा स्टोर है। आई होप कि यार कुछ मिल जाए, क्या कहता है तू? आई डोंट थिंक कि मिलेगा, क्योंकि अभी हमने न्यूज चेक की है और बोल रहे हैं कि सैनिटाइजर जिसको जितने चाहिए उतने ही लो, एक्स्ट्रा मत लो प्लीज, ताकि और लोग भी हैं। कितना हमारी तरह, हाँ कितना फाइन है, 1000 पाउंड फाइन है। ओ यस, और तू तो देने नहीं वाला ये। मैंने कहा देने हैं 1000 पाउंड, मैं तो बर्फ चक्कर हो जाऊंगा, मैं इंडिया भाग गया हूं। तो गाइस ये देख लो, ये भी नॉर्मली एम्प्टी होता है आज के दिन पे। यार ये सबने छुट्टी मारी हुई है क्या? पता नहीं, तेरी छुट्टी तो उनकी भी छुट्टी है ना। जब बच्चे स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर्स कहां से आएंगी? जाओ काम करो। अगर गाइस अगर आपने इस वीडियो पर सब्सक्राइब किया अभी, तो मैं जे को बुगाटी की सवारी करूंगा। ये देखो बुगाटी, क्या क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया? ओ भाई जी, अब तेरे को जाना पड़ेगा। अगर आपने कमेंट किया कि #pummy, तो मैं उसको एरोप्लेन में बिठाऊंगा। चला जा आज अंदर। ये है ट्रॉली पे, ये देखो, ये नॉर्मली यहाँ पे पूरी ट्रॉलीज खड़ी होती हैं, बिल्कुल तो पीछे तक वहां तक, और आज सिर्फ इतनी ट्रॉलीज ही खड़ी हैं, 4। इसका मतलब ये है कि अंदर बहुत बिजी हो गए। कम ऑन जे, कौन सी में बैठेगा, शिप में बैठेगा तू? बुगाटी में बैठ, क्योंकि सबने सब्सक्राइब कर दिया। तो ये रहा जे बुगाटी के ऊपर जाते हुए, ब्रेकें मार ले, ब्रेकें मार ले।
आ जा नीचे आ जा रहने दे, कोई पागल खाने फोन ना कर दे तेरे के लिए। जे हाथ बंद तक वहाँ पे जर्म्स होंगे, नीचे कर ले, सैनिटाइजर लगा नहीं है मेरे पास, फालतू चीजों को हाथ नहीं लगाना गाइस, ग्लव्स पहन के घूमो। ये है सैनिटाइजर वाला सेक्शन, नहीं ये नहीं है, कहाँ पे सैनिटाइजर वाला सेक्शन, ये यही है ना, यहीं पे पड़े होते हैं सारे सैनिटाइजर वगैरह, शैम्पूज वगैरह जितने मर्जी ले लो, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो है वाइप्स सफाई करने के लिए और सैनिटाइजर्स, जो कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। जे उस तरफ देखिए, वहाँ पे होंगे सर, उस तरफ देखिए, दूसरी शॉप में होंगे, नहीं यहीं कहीं होने चाहिए क्योंकि सारा सफाई का सामान यहीं पड़ा हुआ है। पेरो कौन सा मेकअप लगाना आता है, तू कौन सा कल बैठ के जेफरी स्टार बन रहा है। गाइस अगर आप इस वीडियो पर सब्सक्राइब करोगे तो मैं जे को बोलूंगा मेकअप लगाए। अगर नहीं 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 ये नहीं है, ये क्या, ये क्या है, ये क्लींजिंग वाटर है, दूसरे सेक्शन में देखते जे वहाँ पे होगा। आ जा, क्या बात है, बड़ा खुला खुला होकर घूम रहा है। यहाँ पे बड़े होंगे सैनिटाइजर्स इस शेल्फ के ऊपर, है ही नहीं, उससे मैंने पूछा कहती नहीं है, सैनिटाइजर है ही नहीं। ओ भाई ये देखो, ये देखो, ये हैंड वॉश एंड सोप का डिपार्टमेंट है, तो ना हैंड वॉश है ना सोप है, ये ले दो पड़े हैं। कहाँ पे, अब मामा मेरे को सैनिटाइजर चाहिए, चोर कहीं के ब्लड यार, तो यार क्या यार, सोने के भाव बिक रहा है तो सैनिटाइजर आज तो लिटरली देखो, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो ये कब आएगा लिखा क्या हुआ, मंडे 30th ऑफ मार्च, 30 मार्च को आएगा, तब तक बंदे बीमार ही हो जाएंगे। तब तक कहते हैं घर बैठे रहो, सेफ रहो। अच्छा और क्या चाहिए मेरे को, टिश्यू चाहिए, आ जा टिश्यू वाले सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या। आपको तो पता है कि कोरोना वायरस उसके सिम्टम्स होते हैं कोल्ड एंड फ्लू, और कोल्ड एंड फ्लू से बचने के लिए जो दवाइयाँ चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। ये है हमारी बीन्स की शॉप, पास्ता वगैरह जहाँ पे पड़ा होता, और यहाँ पे पास्ता वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइक पूरा खाली कर रहे हैं यार ये हम, मेरे को लगता है हम सैर करने आए, शॉपिंग करने नहीं आए। वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं लेने के लिए, सब कुछ खाली है, लिटरली खाली है, चाहिए वो नहीं। जो चीज़ चाहिए लिटरली वो है ही नहीं यहाँ पे, बीन्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी घर में पड़े हुए हैं, हमें चाहिए थे पास्ता, और पास्ता यहाँ पे है ही नहीं। राइट देन, तो गाइस अभी हम फाइनली घर पे आ चुके हैं शॉपिंग वगैरह करने के बाद, कूड़ा वगैरह फेंकने के बाद, और अनफॉर्चुनेटली हमको सैनिटाइजर नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं था, कहीं पर है ही नहीं सैनिटाइजर। हमें हमारा जो मेन मकसद था वो सैनिटाइजर देना था, टिश्यू से और वो जो शैम्पू होते हैं वैसे करके, वो करके वो हैंड वॉश, हैंड वॉश, वैसे तीन चीजें क्या लेना था, और क्या लेना था, और वो वाइप्स लेने थे, पास्ता लेना था और वाइप्स लेने थे डेस्क क्लीन करने के लिए, ताकि वो कुछ मिला ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं था, एंटीबैक्टीरियल कुछ है ही नहीं, कुछ ज्यादा ही बंदे पैनिक कर रहे हैं, कह रहा हूँ जिसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल लिखा है वो सारा सोल्ड, जिसके ऊपर लिटरली जिसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिया किलर जो भी है वो फिश फिश भी नहीं है भाई। अबे डिलीवरी एक्सपेक्टेंसी डेट 27th मार्च, 30 मार्च, डिलीवरी अप्रैल, हाँ भाई महीने महीने लग रहे हैं यार यहाँ पे, तो 15 दिन बाद डिलीवरी आने वाली है उसकी। एनीवेज तो छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्टे सेफ, ये बहुत चीजें चल रही हैं, अगर आपने स्टॉक नहीं मारा मतलब भरा हुआ तो उठाओ मार्केट से, मत उठाओ प्लीज, हमारे लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दो, जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही लो, ठीक है भाई, सारा का सारा उठा लो, सारा खाली कर दिया। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।